बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आज जो है इंशाल्लाह हम अपने कवायद का ही काम को आगे की तरफ लेकर मज़ीद चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने साबके और लाहके की तारीफ़ें और उसी से रिलेटेड हमने मशकें यानी एक्सरसाइज की थी। आज हम करेंगे मज़मून मज़मून नवेसी। और आज के मज़मून नवेसी कि सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, इसके बाद आप आज का टॉपिक है मज़मून का, नेकी सबसे बड़ी इबादत है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप मज़मून स्टार्ट करने से पहले अपने ग्रामर सेक्शन के अंदर मज़मून नवीसी की इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा। और इसकी हेडिंग डालने के बाद आइए मज़मून स्टार्ट करते हैं। जी, नेकी सबसे बड़ी इबादत है। किसी कौम के ज़िंदा कहलाने की सबसे बड़ी दलील ये समझी जाती है कि इसके अफराद के दिल इंसान दोस्ती के बुलंद तरीन जज्बात से सरशार व मामूर हो, और इसके यही जज्बात इस बात का फैसला करने के लिए एक दलील की हैसियत रखते हैं कि वो कौम दुनिया की क़यादत का हक रखती है या नहीं। दर हकीकत अफराद और कौमों के माबेन बढ़तरी और फजीलत का फैसला भी इन्हीं आसार के मुताबिक होता है जो इस मैदान में छोड़ती हैं। इस्लाम दूसरा पैराग्राफ, इस्लामिक कुदरत रखने वाले हर शख्स को खैर की तरफ आने की दावत आम देता है, और ये दावत आम इसलिए कि एक मालदार, गरीब, मजदूर, ताजिर, ज़मींदार, शागिर्द, उस्ताद, औरत, मर्द, बूढ़ा, अंधा, कमज़ोर भी नेकी का काम कर सकता है। यानी कि हर इंसान को नेकी का काम करने से कोई नहीं रोक सकता या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे मशी की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और योम आखिर यानी आखिर का दिन, कयामत का दिन, योम आखिर को और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से मानने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल, पसंद, माल, रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करें। यह कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है बेटा। तमाम नमाज कायम करें और ज़कात दें, और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें, और तंग दस्ती व मुसीबत के वक्त में, हक व बातिल की जंग में सब्र करें। ये रस्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। रस्तबाज लोग वो होते हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं। मुत्तकी यानी कि परहेजगार को, खुदा से डरने वाले को कहते हैं। ठीक है जी, ये है नेकी करने की नेकी सबसे बड़ी इबादत है। तो ये आप अपनी ग्रामर कॉपी के अंदर इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।